आज जो हम टुकड़े टुकड़े गैंग देखते हैं, जो कि है कि आजादी लेंगे जिन्ना वाली आजादी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई सरगना है ना, जिसने भारत माँ के टुकड़े टुकड़े किए, तो वो सरगना जो है उस शुरुआत होती है वो जिन्ना से। उससे पहले और भी हैं, सर सैयद जिसने थ्योरी दी थी टू नेशन थ्योरी, लेकिन वारिस पठान आप जवाब दे दीजिए अवनीश अवस्थी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, जफर भाई आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, लेकिन चुनाव तो हो गया ही, जिन्ना भक्त वर्सेज राम भक्त, अब यूपी की जनता किसे चुनेगी, जिन्ना भक्तों को या राम भक्तों को? 30 सेकंड, जी जी नहीं, एक मिनट लीजिए वारिस भाई, बोलिए ना। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए, मुझे अग्निवेश अवस्थी साहब ने जो सवाल किया उसका जवाब दे दो। उन्होंने रजाकारों की बात की, तो मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूं, अवस्थी साहब के जो रजाकार थे जिनको जाना था वो चले गए, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम वो लोग हैं जो जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को टकरा के आज हमारे भारत के महान देश भारत में रह रहे। सुनिए, अब मेरा सवाल नंबर दो है आपसे और अग्निवेश जी के साथ में, जिन्ना को आपने बोल दिया टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उस समय। अच्छा सुनिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब ये गलत बात है, ये गलत बात है, ठीक है। अब अग्निवेश अवस्थी वो आपके बीच में बोल रहे थे ना भाटी जी, आपके बीच में बोल रहे थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना अग्निवेश अवस्थी, अब आप वही चीज कर रहे हैं। वारिस पठान आप सवाल सुनिए, हाँ, रजाकारों की बात हो गई, अब जिन्ना थे, उन्होंने देश के टुकड़े किए, उनका गारक हो, उन्होंने देश का गारक करने में सबसे बड़ा हाथ जिन्ना करा, हर चीज में मान रहा, इन्होंने काफी सारी बात की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक और शख्स भी थे इस देश में जिनका नाम था नथुराम गोडसे, क्या आप उनको हीरो मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं, देश का सबसे बड़ा गद्दार मानते हैं? क्योंकि उसने तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था, उसके बारे में क्या बोलना है इनका, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। उसको हीरो मानते हैं, गद्दार मानते हैं, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मानते हैं, हत्यारा है। बोलिए आप अवनीश अवस्थी, बोलिए जवाब दो। निस्संदेह जिसने भी हत्या की, और नाथुराम गोडसे ने हत्या की, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, महात्मा गांधी की हत्या की, उसको किसी भी हालत में, वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की सहानुभूति का पात्र है, निश्चित रूप से उसकी निहायत अपमानजनक शब्दों में उसका प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं उसका भी बात कहता हूँ, करो ना, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? मुंह से बोलो, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? अब्दुल राशिद, हमारे स्वामी पहला आतंकवादी, हर किस्म के वायलेंस, हर किस्म के वायलेंस और वायलेंस, अब्दुल राशिद मैं खंडन करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। 23 दिसंबर 1926 आपके बीच में बोलने से डिबेट नहीं चलेगा, आपको लगता है आपके पास ज्यादा आवाज है, आपके आवाज के सामने मेरा वोट बोले, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, चुप करो। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या करने वाला कौन था? 20 लाख हिंदुओं की हत्या करने वाला जिन्ना कौन था? 20 लाख हिंदुओं की हत्या करवाने वाला, 20 लाख हिंदुओं की हत्या करवाने वाला जिन्ना कौन था? वारिस पठान ये तो खंडन कर रहे हैं ना, जिन्ना का नाम लेंगे? अवनीश अवस्थी बोल तो दिया उन्होंने, गद्दार जिन्ना को तो जितनी गालियां वो दे रहे हैं, बैठ के दे रहे हैं ना जिन्ना को गालियां, वारिस भाई दे तो रहे हैं, दे रहे हमारे को लेना देना क्या है उनसे? अब बात नंबर जिन्ना के साथ थे, सुनिए अब बात नंबर, अच्छा बोलने देते हैं, फिर मैं जफर भाई के पास जाऊंगा, अवनीश अवस्थी उनको बोलने देते हैं, अवनीश अवस्थी एक मिनट, अवस्थी जी एक बार बोलने दीजिए ना, बोलने नहीं दूंगा बीच में, नहीं, 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी हो जाएंगे, बोलने नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी औकात है क्या टीवी का चैनल में डिबेट करने की? तुम हमारे आरएसएस का एजेंट हो, तुम आरएसएस का प्रवक्ता बंद नहीं कर सकते, इस भ्रम में मत रहो, एजेंट लिखो इसको यहां पे, इस भ्रम में मत रहो, 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी होंगे, आरएसएस का एजेंट है, 100 करोड़ पे भारी होंगे, इस भ्रम में मत रहना कभी, ये झूठा आदमी है, इस भ्रम से बाहर निकलो। अरे चल बे चल, 15 मिनट हमें दे दो, पुलिस को हटा दो, हिंदुस्तान चल, को हिंदुओं से खाली कर देंगे, चल, वही हो ना तुम, और आज कह रहे हो बोलने नहीं दूंगा, हवा आने दे, आज कह रहे हो बोलने नहीं दूंगा मैं, हवा आने दे, हवा आने, देखिए तुम्हारा आता है तब बोलो ना, डिबेट करने आता है, मस्ती मजाक करने आता है तुमको, उतर आए अपनी औकात पर, तुम्हारी औकात क्या है, देश देख रहा है औकात तुम्हारी क्या है, देखली भाषा, कोई तमीज तहजीब है, तमीज तहजीब का टाइम पे होगा, जब मेरा टाइम है बोलूंगा, जब जवाब नहीं तो खामोश बैठेगा, जब दो बड़े बात कर रहे हो बच्चे नहीं बोलते, कहने वाला वारिस पठान को आरएसएस का प्रवक्ता, इसको ये हटाओ, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है ये आदमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, तो आरएसएस का प्रवक्ता है वो, लिखो ना हमारी आवाज को बंद, मेरा आवाज दबाएगा क्या, आप कौन, आप कौन,